हेलो एवरीवन, दिस इज हरिंदा साहू फ्रॉम किंग रिसर्च एकेडमी। आप सभी लोगों का स्वागत है किंग रिसर्च फैमिली में। आज मैं आया हूं एक पावरफुल स्ट्रैटेजी लेके, ऑप्शन स्ट्रैटेजी। यस, प्योर इंट्राडे ऑप्शन स्ट्रैटेजी, जिसमें हम कोई शॉर्ट सेल नहीं करेंगे, कोई सेल नहीं करेंगे, ना कॉल ना पुट। हम यहाँ पे बाई करने की बात कर रहे हैं, एक ऐसी पावरफुल स्टॉक ऑप्शंस की स्ट्रेटेजी जिसमें हम कॉल्स भी बाई करेंगे और पुट्स भी बाई करेंगे और प्योर इंट्राडे के लिए काम करेंगे। सो गाइस, बिफोर कंटिन्यू विद माय स्ट्रेटेजी, सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जिन लोगों ने मेरा जो ऑप्शंस वीकली का काला सच है वो नहीं देखा है तो प्लीज देख लेना, क्योंकि वो एक रामायण मैंने बताया किस तरह से आपको ट्रैप में लिया जाता है, उसके बाद ही ये कंटिन्यू करना स्ट्रेटेजी को। और दूसरी बात, जिन लोगों ने, जो भी मेरे को अभी देख रहे हैं, जिन लोगों ने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि अभी तक मैं 9 से 10 स्ट्रैटेजी आपको यूट्यूब में दे चुका हूं। अपार्ट फ्रॉम दिस, मोर देन 25-30 स्ट्रैटेजीज मेरे वेट कर रहा हूं। जैसे जैसे आपका प्यार मिलता रहेगा, मैं वो भी स्ट्रैटेजीज आप लोगों को देता रहूंगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए ले चलता हूं अपनी स्ट्रैटेजी पे। चलिए देखते हैं क्या है ऑप्शन स्टॉक स्ट्रैटेजी। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं नो लॉस ऑप्शन स्ट्रैटेजी। आई मीन टू से, इस ऑप्शन स्ट्रैटेजी के माध्यम से जो लोग छोटे ट्रेडर्स हैं, जो लोग कहते हैं कि हम ऑप्शंस में पैसा नहीं बना पाते और उनको एडजस्टमेंट करने की आदत नहीं है, उनको पता नहीं है कैसे एडजस्टमेंट किया जाए, तो क्या ऐसा रामबाण है, आइए मैं आपको ले चलता हूँ। तो अगर मैं बोलूँ नो लॉस ऑप्शन स्ट्रैटेजी, इसका दूसरा नाम अगर देना चाहूँ तो मैं उसको बोलूँगा नो ब्रेन स्ट्रैटेजी। क्योंकि गाइस, हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैं कॉल को बाई करूंगा, पुट को बाई करूंगा, जितना लॉजिक दूंगा उसको प्रॉपर तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से फॉलो कर लोगे, पैसा बन जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों की दिक्कत ये है कि वो अपना दिमाग लगाते हैं और वहीं पे फंस जाते हैं, बाद में कमेंट सेक्शन में आप लोगों मेरे को लिख के भेज दो, सर ये काम नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। मेरे भाई, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं लाइव अपडेट भी आपको दूंगा ऑप्शंस का, जिससे आपको हेल्प हो सके। चलिए, ओनली फॉर द स्टॉक ऑप्शंस की बात कर रहा हूं। नो ब्रेन इंट्राडे स्ट्रैटेजी, इट्स एन प्योर इंट्राडे स्टॉक ऑप्शन स्ट्रैटेजी। यस, दिस इज पुअर एंड रिच की कहानी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। ध्यान से समझना, छोटा प्लेयर लगा रहता है मार्केट में पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, पैसा नहीं कमा पाता, पूरा कोशिश करता है, 1,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 लेके आता है, सब डुबाता है। और बड़ा प्लेयर मेहनत नहीं करता, वो सोचता है कि आपसे कैसे ब्लफ किया जाए स्टॉक मार्केट में, आपसे ऑप्शंस में कैसे ब्लफ किया जाए, आपको लालच कैसे दिखाया जाए ऑप्शंस में। अगर अभी तक मेरा वो वीडियो नहीं देखा है, ऑप्शन एक्सपायरी का काला सच, इमीडिएट बेसिस पे अभी ऊपर देखो आई बटन में आ रहा होगा, वहां पे तुरंत देख लीजिएगा, उसके बाद इस स्ट्रेटेजी को देखना, तभी आपको समझ में आएगा, तभी आपको हेल्पफुल होगा। चलिए, तो मैं बात कर रहा हूं सबसे पहला सिंपल बाइंग सेटअप की। तो फर्स्ट चेक निफ्टी फ्यूचर्स। If first 10 minutes candle is green, ध्यान से समझना, combination of Nifty with stocks options की बात करूंगा। तो first 10 minutes का candle अगर green है, bullish है, then we will think for buy. Buy what? Buy what? Stocks नहीं, options में, यानी कि call buy करेंगे, right? तो मान लो ये पहला ग्रीन कैंडल ऐसा भी हो सकता है, दूसरा इस तरह का भी हो सकता है, तीसरा इस तरह का भी हो सकता है। मेरा मतलब है सिंपल सा भाई, ग्रीन होना चाहिए, दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ ग्रीन कैंडल है तो हम बाई का सोचेंगे, अगर रेड कैंडल है तो हम सेल का सोचेंगे। देन गो एंड चेक द टॉप गेनर। अगर पहला 10 मिनट का आपको निफ्टी क्लोज हो गया, राइट, तब आप एनएससी की वेबसाइट में, मैं लास्ट में बताऊंगा और उसका स्टॉप लॉस भी लास्ट बताऊंगा, भगा भगा के मन देगा, ध्यान से समझना। Then, आपको NSE की वेबसाइट पे जाना है, वहां पे चेक करना है टॉप गेनर 10 मिनट के बाद, टॉप गेनर एंड टॉप लूजर। स्ट्रेटजी क्या है मेरे भाई, ध्यान से समझना, क्योंकि ये प्योर गेम ऑफ टाइमिंग एंड प्योर गेम ऑफ साइकोलॉजी खेलता हूं, जैसे मेरा आप वीडियो में हर बार देखते हो। बाई टू टॉप गेनर कॉल्स एट 9:25, राइट, बाई वन उसको हेज करने के लिए, कि बाई चांस मेरा पाला उल्टा पड़ जाए तो उसको हेज करने के लिए मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, एक टॉप लूजर 9:45 पे। गेम समझना मेरा पूरा गेम स्ट्रेटजी सब कुछ टाइमिंग बेस्ड होता है, क्योंकि टाइमिंग का स्टॉक मार्केट में क्या हर जगह बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपकी लाइफ में भी टाइमिंग है, पैसा कमाओगे, टाइमिंग नहीं है तो बॉस रगड़ते रहो जूते, पैसा नहीं आने वाला। बाई फर्स्ट
वन टॉप लूजर स्टॉक पुट्स एट 9:45. ओके, हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक ऑप्शंस. फॉर एग्जांपल, इफ भारतीय एयरटेल, मैं एग्जांपल दे रहा हूं भारतीय एयरटेल एचडीएफसी का, इफ भारतीय एयरटेल एचडीएफसी बैंक अ टॉप गेनर एंड मारुति इज एन टॉप लूजर, तो पहला क्या करना है मैंने आपको बताया, 10 मिनट का निफ्टी का कैंडल ग्रीन, तो बाई करने का सोचेंगे, राइट? यानी कि 9:25 पे भारतीय एयरटेल जो चल रहा है रेट 500 का चल रहा है, सेलेक्ट ऑल अबव 2% प्राइस, दैट इज 500, जो भी उस टाइम करंट मार्केट चल रहा था 500 चल रहा था, तो 500 प्लस 2%, तो 5 × 2 = 10, 10% 10 रुपीज का उसमें आया, तो आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस यूज करना है, 510 का कॉल स्ट्राइक यूज करना है आपको, राइट? अब सेकंड, 9:25 पे मैंने क्या बताया, दो स्टॉक्स बाय करना है, तो पहला भारती, दूसरा एचडीएफसी बैंक, 1000 रुपए के आसपास चल रहा है 9:25 पे, तो 1000 रुपीज प्लस 2% ऊपर का स्ट्राइक प्राइस, तो 1000 × 2 यानी कि 1020 का जो यहां पे कैलकुलेशन आपको दिख रहा है, 1020 का जो कॉल होगा वो आपको बाई करना है. नेवर टेक रिस्क वन साइडेड. माई फर्स्ट प्रायोरिटी इज योर इन्वेस्टमेंट सेफ्टी. क्योंकि आप लोग क्या गलती करते हो ऑप्शंस के अंदर, पुअर और रिच मैन का कहानी दिखाया था, आप तो छोटा छोटा खाने में लगे रहते हो, है ना, और बड़ा आदमी क्या करता है, जो आप खाते हो एक बार में आपको सारा लपेट लेता है. सो हम इंश्योरेंस कैसे करेंगे, क्या करेंगे, मैंने आपको बताया, एक पुट बाई कर लेंगे मारुति का, जिसका करंट प्राइस 9:45 पे 5020 चल रहा है, विच इज नियर टू 5000 का स्ट्राइक प्राइस, राइट? तो सेलेक्ट पुट ऑफ स्ट्राइक प्राइस 2% बिलो 5000, तो 5000 माइनस 2% 4900 का पुट हम चूज करेंगे, स्ट्राइक प्राइस हम चूज करेंगे जो भी रेट चल रहा होगा, ठीक है? अब मैं बात कर रहा हूं सेलिंग सेटअप का, सेम थिंग. नाउ फॉर सेलिंग, इफ फर्स्ट 10 मिनट्स कैंडल, फॉर एग्जांपल मेरे भाई कल यानी कि फ्राइडे को आप नोटिस करना, निफ्टी का पहला, मैं एग्जांपल बता रहा हूं, निफ्टी का पहला कैंडल 10 मिनट्स का आपका रेड था, तो मैं क्या करूंगा, दो पुट बाई करूंगा और एक कॉल बाई करूंगा, सेल नहीं करना, बाई करना है, दोनों केस में बाई करेंगे. तो ये रेड कैंडल है, इस तरह का भी बन सकता है, इस तरह का भी बन सकता है, जो भी आए रेड आए बात खत्म मेरे भाई, राइट? देन गो एंड चेक टॉप लूजर, अगर रेड है तो अब टॉप लूजर की बात करूंगा, तो 9:25 पे जो भी टॉप लूजर हैं इमीडिएट बेसिस पे उनका स्ट्राइक लेना है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना है वो ध्यान से समझना, और हेजिंग के लिए और सेफर साइड के लिए बाई वन टॉप गेनर. याद करो मेरा जिसने एक वीडियो है मार्केट साइकोलॉजी, जिसमें मैंने मार्केट प्लस मार्केट माइनस की वीडियो बताई है, अगर वो भी नहीं देखा है मेरे भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मार्केट प्लस मार्केट माइनस है, उसमें यही मेरा लॉजिक है, ध्यान से देखना. तो निफ्टी रेड कैंडल है पहला 10 मिनट का, तो आपको दो पुट बाई करने हैं और एक कॉल बाई करनी है, राइट? कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री. सो फॉर एग्जांपल इफ भारतीय एयरटेल एचडीएफसी बैंक टॉप लूजर, मारुति इज इन टॉप गेनर, तो उस केस में क्या कहेंगे, 9:25 पे भारतीय एयरटेल मान लो 500 चल रहा है, तो 500 में से माइनस 2% करेंगे, तो 490 का पीई आप लेंगे. सेकंड, एचडीएफसी का 9:25 पे 1000 चल रहा है, तो 1000 माइनस 2% 980 का पीई आप ले लेंगे, कैलकुलेशन आपके सामने है. अगेन नेकेट नहीं छोड़ेंगे, इसको थोड़ा सा हेज कर लेंगे मार्केट प्लस मार्केट माइनस स्ट्रैटेजी को इसके अंदर इंक्लूड करके, तो भाई मैंने ब्रेन लगाया हुआ, आप अपना नहीं लगाना, जितना बोल रहा हूँ उसको फोकस करना, राइट? तो एट 9:45 मारुति क्लोज 5020 विच इज नियर टू 5000, तो 5000 प्लस 2 5100 का जो भी कॉल का रेट आएगा वो हम बाई कर लेंगे, राइट? ये देखिए मेरे भाई, ये निफ्टी का पहला 15 मई का चार्ट है, यानी कि फ्राइडे की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, और पहला रेड कैंडल आया, फर्स्ट 10 मिनट्स का कैंडल इज रेड. ओके, नाउ यू कैन चेक इट आउट, NSE की वेबसाइट पर जाके मैंने देखा कि बॉस इक्विटास एंड M&M F&O सिक्योरिटीज में, F&O सिक्योरिटीज बताता हूँ मैं कैसे होगा, इक्विटास एंड M&M मेरा टॉप लूजर में था, यानी कि -5% -4%, इन दोनों को मैंने रडार पे ले लिया. कैसे, मान लो ये रेट 48.90 ऑलमोस्ट 49 रुपीज चल रहा है, तो 49 माइनस 2% -2% क्योंकि पुट हम बाई कर रहे हैं. सिमिलरली 382 -2% वो हमारा स्ट्राइक प्राइस का, हम जो भी आएगा प्रीमियम उस पर काम करेंगे. अब पुट तो बाई कर लिया, एक कॉल को भी बाई करेंगे हेज करने के लिए, उसको सिक्योर करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, टॉप गेनर
उस टाइम जो टॉप गेनर था उस टाइम एस्कॉर्ट हमारा टॉप गेनर था, उसको हमने चूज कर लिया। एस्कॉर्ट को हमने कॉल बाई करेंगे कौन सा, 826 95, यानी कि 827 ऑलमोस्ट 827 प्लस 2% का जो रेट आएगा वो वाला, हम उसके नियर हियर एंड देयर नियर जो स्ट्राइक प्राइस आएगा वो वाले पे हम लोग काम करेंगे, राइट। मेरा बात ध्यान से समझना, वी हैव टू चेक वेयर इज स्ट्रेंथ, रामबाण बता रहा हूं बॉस, फॉर ऑप्शंस एनालिसिस बायर्स एंड सेलर्स। अगर आप ओडिन में काम करते हो तो F5 दबा के एक विंडो खुलती है जिसमें मार्केट डेप्थ पता चलता है, कितने बायर्स हैं कितने सेलर्स हैं, या फिर जो लोग जीरोधा यूज करते हैं या फिर जो हम लोग के साथ अकाउंट खुलवाए हैं एलाइज ब्लू में या फिर एंजल में, वहां पे भी आप देख सकते हैं मेरे भाई, मार्केट डेप्थ की बात कर रहा हूँ जहां पे नंबर ऑफ बायर्स नंबर ऑफ सेलर्स की गिनती आती है, टोटल नंबर ऑफ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कर रहे हैं, तो वहां पे पल्ला देख लेना है। अगर हमने टॉप गेनर फाइंड किया है या टॉप लूजर फाइंड किया है तो उसमें वो देखना है कि उसका बायर्स एंड सेलर्स का एक लॉजिक है, बताऊंगा मैं आपको, राइट। सो कैसे स्टॉक सिलेक्शन करना है वो आप जान लीजिए, बहुत सिंपल है भाई, माइंड ब्लोइंग है, आज से नहीं काफी टाइम से इस स्ट्रेटेजी को मैं यूज कर रहा हूँ ऑप्शंस में, और आप लोग कई बार देखते हो मेरे ऑप्शंस का जैकपॉट आपके सामने रिजल्ट है। जिसको नहीं पता टेलीग्राम फॉलो करना, आप बोलते हो सर कैसे बनाते हो, मेरा भाई फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको दे रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करो, किसी टिप्स वाले को पैसा नहीं देना, किसी एडवाइजर वाले को पैसा नहीं देना, खुद सीखो सर, टाइम लगेगा, मेरे को 12 साल लगे हैं, एम एस एबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, फिर बोल रहा हूँ 12 साल लगे हैं यहाँ पे पहुँचने के लिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए दे रहा हूँ कि भैया आप सही तरीके से सीख लो, और जो ज़्यादा स्मार्ट है वही सबसे ज़्यादा डूबता है, तो लर्न एंड देन अर्न, दिस इज आवर मोटो, राइट। सो कम टू द पॉइंट गाइस, एनएससी इंडिया की वेबसाइट आपको खोलनी है, जैसे ही एनएससी इंडिया की वेबसाइट खोलेंगे देखेंगे आप ऊपर यू आर ऑन द न्यू वेबसाइट्स, एनएससी की जो है न्यू वेबसाइट आएगा तो हम ओल्ड वाली वेबसाइट यूज करेंगे, तो ओल्ड वाली वेबसाइट www.1.nscindia इस पर हमने क्लिक कर दिया, ओके। जैसे ही आपने इस पर क्लिक करा आप देखो एक टॉप गेनर टॉप लूजर का थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो टॉप लूजर एंड टॉप गेनर की विंडो आ गई, तो ये जो व्यू ऑल है इस व्यू ऑल पे मैं क्लिक करूंगा, व्यू ऑल पे क्लिक करते ही आप नोटिस करना यहाँ पे निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर आ गए। देखो यहाँ पे गेनर पे क्लिक किया टॉप गेनर, लूजर पे क्लिक करूंगा टॉप लूजर आ जाएंगे, राइट। तो मैं बात कर रहा हूँ एफएनडो सिक्योरिटीज की, तो ये एफएनडो सिक्योरिटीज पे आपको तुरंत क्लिक करना है और यहाँ पे आपको चेक करना है कौन सा, कल क्या हुआ था निफ्टी, कल पहला कैंडल 10 मिनट का रेड था, जैसे ही 9:25 पे रेड कैंडल दिखाए तुरंत जाके आपको वेबसाइट खेलना, इट विल टेक नॉट मोर देन 2 मिनट्स, 2 मिनट के अंदर के आप आराम से एनालिसिस कर लोगे, कोई ये मत बोलना सर इतना टाइम में कैसे करें, बहुत सिंपल है। M&M देखो लूजर पे गया, F&O सिक्योरिटीज पे गया, तुरंत के तुरंत मुझे स्टॉक सिलेक्शन आ गया, उस टाइम जो चल रहा होगा 925-928 के बीच में जो भी चल रहा होगा, तुरंत ये वाले दो टॉप देखना है। अच्छा इसके अंदर जो हिडन सीक्रेट है अब मैं बताता हूँ आपको। सो गाइस देखिए आप यहाँ पे ऑर्डर बुक में बाय डिफॉल्ट ऑर्डर बुक खुलेगा, यहाँ पे जो बाइंग क्वांटिटी और सेल क्वांटिटी का है, यहाँ पे जैसे 4149 का है ऐसे यहाँ पे आएगा, लॉजिक समझना, डबल होना चाहिए। मैं टॉप लूजर की बात कर रहा हूँ, आई मीन टू से जो सेलिंग प्रेशर होगा वो डबल होगा बाइंग प्रेशर से, समझ में आया, जो ये वाला बाइंग क्वांटिटी होगा ये कम होगा, अगर ये 4000 है तो ये कम से कम 8000 होना चाहिए, डबल होना चाहिए, और डबल से ज्यादा है तो सोने पे सुहागा, राइट। तो यही लॉजिक है, सम की पॉइंट्स, वेट टिल 925, डोंट डू एनीथिंग इन फर्स्ट 10 मिनट्स, यू नीड टू चेक ओनली मार्केट ट्रेंड फॉर ऑल सेलर्स, सेलर्स शुड बी डबल। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया M&M का जो एग्जांपल मैंने आपको वहां पे दिखाया वही दिखाया भाई, देखो टोटल 3,90,000 है उस टाइम पे और यहाँ पे 13,09,000 है उस टाइम पे, तो कौन सा डबल है, कंडीशन फुलफिल, डबल द सेलर, सेलर बायर से डबल है, यानी कि हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई, अब हम M&M में ले लेंगे, अगर हमारा कंडीशन फुलफिल नहीं है तो हम M&M में नहीं लेंगे, उसके बाद जो सेकंड नंबर पे है उसको चेक करेंगे, सेकंड नंबर नहीं आया थर्ड नंबर पे चेक करेंगे। ये एक हिडन लॉजिक है मेरे भाई, थोड़ा सा पैसा कमाना बहुत आसान है, पैसे से पैसा कभी नहीं बनता, हमेशा याद रखना, आपके पास आइडिया होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए, उससे आप जितना चाहो पैसा बना सकते हो।
डूज एंड डोंट्स ध्यान से समझना. डोंट ट्रेड इफ निफ्टी ओपन अबव 5% प्लस और 5% बिलो. जिस दिन मार्केट निफ्टी 5% ऊपर खुलेगा या नीचे खुलेगा उस दिन काम नहीं करना है, क्योंकि हाई वोलेटाइल हो जाएगा, आपको लपेट लेगा. बिकॉज यू आर अ फ्रेशर, आपको इसमें भी सेटिंग करनी नहीं आएगी, एडजस्टमेंट करनी नहीं आएगी. आई एम अ प्रोफेशनल ट्रेडर, आई इजीली कैन डू, बट आप लोगों के लिए अभी नहीं बताऊंगा. इसका जो सेकेंड पार्ट है वो मैं आपको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का आपको डिटेल्स दूंगा. निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में कैसे ऑप्शन ट्रेड किया जाए वो बताने वाला हूँ, ठीक है. सो गाइज ध्यान से समझना, M&M का जो फ्यूचर का हम प्राइस की बात कर देंगे, ऑप्शंस का डाटा नहीं देखेंगे, कैश का डाटा नहीं देखेंगे, ओनली फ्यूचर्स का देखेंगे, ओके. तो M&M हमने चूज किया था, तो यहाँ पे डबल आ रहा है तो आपने ट्रेड कर लिया. अगर बाई चांस डबल होते होते एग्जीक्यूट हो गई पोजीशन और बाई चांस धीरे धीरे आपको ये विंडो लगा के देखनी है और धीरे धीरे ये चीज कम होती चली जाए, यानी कि इक्वल आ जाए, 390,000 है, ये भी 390,000 है, या फिर ये 13 lakhs है और ये भी 13 lakhs हो जाए, दोनों के दोनों इक्वल आ जाए, तब आप अपनी पोजीशंस एग्जिट कर लेंगे. रामबाण समझना एग्जिट का मेरा, तो वो हमेशा आपको चेक करना है. बायर्स एंड सेलर वाला जो डाटा है वो हमेशा चेक करना है होल्ड करते वक्त, एंड होल्ड विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस. क्या स्टॉप लॉस होगा वो मैं आपको बताता हूँ. तो स्टार्टिंग में आप प्लीज इसको बैक टेस्ट करो, देखो अगले दिन मंडे को जब मार्केट खुलेगा किस तरह से काम कर रहा है. और गाइस नो नीड टू वरी अबाउट इट, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं खुद स्टार्टिंग में 2-4 दिन आपको एनालिसिस करके दूंगा. सो गाइस इसमें स्टॉप लॉस कैसे लगाना ध्यान से समझिएगा. इस केस में, इस स्ट्रैटेजी में आपका स्टॉप लॉस रहेगा 30-40% का, ओके. पहला कंडीशन ये है. दूसरा जो टारगेट की अगर मैं बात करूं, टारगेट इसमें 100% रहेगा. लेट्स टेक एन एग्जांपल, बॉस आपका मान लो कोई प्रीमियम प्राइस 10 रुपये का है, मान लो सपोज करो स्टॉक ऑप्शंस पे 10 रुपये का प्रीमियम प्राइस है, राइट. तो 10 रुपये का आपका जो टारगेट रहेगा, 20 रुपीज़ का आपका टारगेट रहेगा 100%. और अगर आपने 10 रुपये पर एंट्री लिए तो स्टॉप लॉस रहेगा 30-40% रहेगा, यानी कि 3-4 रुपये का आपका स्टॉप लॉस रहेगा 10 रुपये के प्रीमियम में, ओके. तो यानी कि 7 रुपये या 6 रुपये का हमारा ऐसा रहेगा. मैक्स टू मैक्स बैंक विद टाइट स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्टली यूनिट टू फॉलो द स्टॉप लॉस. इसमें दोबारा अगर एंट्री मिले काम नहीं करना है, जितना मैंने बताया से उस पर फोकस करना है. और खासियत, अगर आपका मूव आपने पुट लिया है या कॉल लिया है अगर आपके फेवर में चलने लगे, तो इमीडिएट बेसिस पे जैसे 30% की आपकी मूव दिख रही है आपके ट्रेड में, राइट, इमीडिएट बेसिस पे मॉडिफाई योर स्टॉप लॉस एट कॉस्ट टू कॉस्ट एंड होल्ड फॉर द बिग टारगेट. अच्छा, इसके अंदर जो कंफ्यूजन आप मेरे साथ क्रिएट करने वाले हो गाइस, कि सारा पोजीशन एक साथ काटना है या फिर अलग अलग काटना है, मेरे भाई आपने यहाँ पे 3 पोजीशंस बनानी है. 2 एक तरफ वाली बनेगी, अगर मार्केट निफ्टी रेड है तो आपको 2 पुट लेना है और एक कॉल लेना है. काम तीनों में आपने किया, लेकिन जब आप एग्जिट और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और ये प्रॉफिट बुकिंग की बात करूंगा, तीनों को एज ए इंडिविजुअल देखना है. जिसमें जहां प्रॉफिट मिलता जाए उसको बुक करते ले चलो, और जिसका जहां पे स्टॉप लॉस है उसको लॉस बुक करते लेके चलो, ओके. सो गाइस 23 मई को, यस 23 मई यानी कि नेक्स्ट वीक को, मैं एक पावरफुल सेशन हाउ टू कैच अ मल्टी बैगर स्टॉक्स, वो स्टॉक्स नहीं जो निफ्टी 50 के अंदर आते हैं, वो स्टॉक्स नहीं जो निफ्टी 100 के आते हैं, प्योर प्राइस एक्शन स्टडीज देने वाला हूं उन स्टॉक्स के अंदर जो कि कहीं से भी आते हैं, जो कि NSE और BSE के अंदर लिस्टेड है. ऐसा एक टूल देने वाला हूं, ऐसा एक टेक्निक देने वाला हूं, ना किसी किताब में ना किसी YouTube में लिखा है. प्योर गेम ऑफ प्राइस एक्शन, नो बैलेंस शीट, नो कैश फ्लो, नो PE रेशो, नो VIX, नथिंग, सब कचरा, नो मूविंग एवरेज, सब कचरा. प्योर प्राइस एक्शन का गेम देने वाला हूं. अगर दिमाग का ढक्कन खुलवाना है तो मेरा 23 तारीख का क्लास जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स अभी ये बोलेंगे कि गुड अपॉर्चुनिटी, यस दिस इज अ राइट एंड गुड अपॉर्चुनिटी इन दिस मार्केट, कि आगे किस टाइम पे आपको एंट्री करनी चाहिए और किस टाइम पे आपको एग्जिट लेना चाहिए, क्या आपका प्रॉफिट का टारगेट रेशो होना चाहिए, क्या आपका स्टॉप लॉस का टारगेट रेशो होना चाहिए. ये एक सिंपल 2 घंटे का जो सेशन है उसके अंदर मैं आपको देने वाला हूँ. सो डोंट मिस, इमीडिएट बेसिस पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसको बुक कर लेना. अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए
और अच्छा लगे तो गाइस आशा करता हूँ कि आप सब्सक्राइब बटन तुरंत दबा दीजिए, शेयर दबा दीजिए, लाइक दबा दीजिए, क्योंकि और बहुत सारी पावरफुल स्ट्रैटेजीज आपको अगर पसंद आई तो आगे भी आने वाले फ्यूचर टाइम में मैं एक से एक बढ़ के और पावरफुल स्ट्रैटेजीज और अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजी जो मेरे पास है मैं सब चीज़ आपसे शेयर कर सकूँ, जिससे कि हमारा मंत्र है लर्न एंड देन अर्न। किसी को टिप्स के पैसे नहीं देने भाई, वेट एंड वॉच। निफ्टी बैंक निफ्टी का भी ऑप्शन की स्ट्रैटेजी मैं आपको दूंगा एक शर्त पे, सिर्फ एक शर्त पे, 75,000 सब्सक्राइबर जैसे होंगे मैं आपको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का भी ऑप्शंस का स्ट्रैटेजी दूंगा। सिर्फ बाई की बात करेंगे, या तो कॉल या तो पुट, ठीक है? तो अगर मेरी मेहनत आपको समझ में आ रही है, आपको मेरी मेहनत से लग रहा है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसी है स्ट्रैटेजी, जो लॉजिक दिया है टाइमिंग का, जो एग्जिट का लॉजिक दिया है, टाइमिंग का गेम दिखाया है, कैसा पावरफुल लगा। अगर लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, जिससे कि जो मेरे ट्रॉलर्स हैं उनकी बोलती बंद कर सके। ओके, चलिए, हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। क्वारंटाइन चल रहा है, प्लीज घर पे रहिए, सेफ रहिए, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू, हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। सौ सुनार की एक इंच की शक्ति, सौ सुनार की एक इंच की शक्ति, सौ सुनार की एक इंच की शक्ति। थैंक यू।